और ये अंकल जी से लिए हमने, मस्त मस्त साड़ियाँ दे रहे अंकल जी, पर महंगे बहुत दे रहे हैं। ये बात मत कहो, मेरे से लेस करवा लिया इन्होंने पैसे बहुत। महंगे बहुत दे रहे और साड़ियाँ भी ठीक है, मस्त है। हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हमारे व्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के ब्रेकफास्ट से, जो हम अभी आपको दिखाएंगे। तो हमारा ब्रेकफास्ट है, सबसे पहले देखिए आज मम्मी ने बनाए हैं पराठे और साथ में दही अचार और थोड़ा बहुत घी है। तो आज करेंगे पराठे से स्टार्ट। तो इसके बाद हम जाएंगे मार्केट। तो हम जा रहे हैं मार्केट, जो मैंने बताया। तो हमारे मार्केट जाने का रीजन क्या है बताओ भैया? तो मार्केट जाने का रीजन ये है कि आज इस मैंने जो भाई होता है अपनी बहन को कुछ शगन देता है, मतलब रस्म होती है ना ये हमारे वहाँ, वो भी शादीशुदा, मतलब मेरे को नहीं मिलेगा बट मेरी बहन को मिलेगा। तो उसके लिए मतलब जब शगन डालते हैं तो वही शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं हम मार्केट। तो कहने का मतलब है एक और खर्चा होने वाला है। या ये भैया मतलब शादी मेरी भी होगी तो ये भैया फिर मेरे को भी आएंगे, है ना भैया? हाँ, तो अभी सिर्फ दीदी को जाएगा वो चीज। तो बस वही शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं हम मार्केट। तो देखते हैं क्या क्या शॉपिंग होती है। तो बताओ क्या खरीदोगे भैया? कोई सस्ता सा सूट दे देंगे। ओ क्या क्या 19 के वहां से पालिका 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 से बस 250 वाले स्टार्ट होता है ना। हाँ बस वही स्टार्ट कर देंगे, उसमें भी फिर 5 शगन रखना पड़ता है। कुछ कुछ रख देंगे थोड़ा सस्ता सा। तो कहने का मतलब है शादी के बाद भी खर्चा ही है। शादी के बाद नहीं छोड़ रही है। चलो ये तो मजाक हो गया, बट चलते हैं हम शॉपिंग करने के लिए। तो हम आपको दिखाएंगे रास्ते में। दुकान खोल के रख दिए गाइस, बट पसंद अभी भी नहीं आई इनको, एक भी आई नहीं रही पसंद। पसंद ही नहीं आ रही है, कॉल करके भी देख लिया मैं उसे। हाय उसका चाहिए। तो रेखा हुआ फाइनल, कितने जगह कितने दुकानों में घुस के फाइनल लास्ट में हमने कर ही लिया है। बाकी चलो देखते हैं उसे पसंद आता है नहीं आता है, बट हमने अपनी तरफ से तो कर दिया है। तो अभी हमें और चीज़ें लेके जानी है, यानी उसमें 5 चीज़ एक्स्ट्रा और जोड़नी है, तो वो देखने के लिए फिर से जा रहे हैं। गैस पूरे 2 घंटे होने वाले हैं और अभी तक 1.5 पसंद आई है, 5 चीज़ें और लेनी है। तो आप सोच सकते हो पूरा दिन चला गया बट अभी भी 1.5 पसंद आई है। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है इनके साथ आना। अच्छा, और बहुत मुश्किल है कभी भी अगर शॉपिंग करने आओ सिर्फ लड़के आओ, लड़कों के और भाइयों के साथ कभी मत आना। हमारी अभी इनसे सिर्फ एटीएम कार्ड मांगना। तो चलो मिलते हैं। इतने में शादी के कपड़े दे लेंगे जितने में इन्होंने 1.5 सिलेक्ट किए, बहुत मुश्किल है। तो हमने फाइनली कर दिया, एक फाइनल साड़ी कर दी है और ये अंकल जी से लिए हमने, मस्त मस्त साड़ियाँ दे रहे अंकल जी, पर महंगे बहुत दे रहे हैं। ये बात मत कहो, मेरे से लेस करवा लिया इन्होंने पैसे बहुत। महंगे बहुत दे रहे और साड़ियाँ भी ठीक है, मस्त है, जितनी मस्त साड़ियाँ उतने मस्त समझ जाओ, ठीक है ना? हाँ जी, पहन के और मस्त हो जाएंगे। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट लोकेशन पे, यानी कि और शॉपिंग करने के लिए। तो चलिए अब कहाँ जा रही है? अरे यार बहुत गर्मी में नहीं आना। हाँ क्या भूख लगी? तो गए सामने, मुझे लग रहा है गोलगप्पे दिखे ऐसे। गोलगप्पे जाने और बहुत भूख लगी हुई है। कितना बज गए, टाइम कितना हो गया? 2 बज गए और भूख भी लग रही है, ऐसा पेट कुछ मांग रहा है। और गर्मी में कभी नहीं आना चाहिए सच्ची में। आ जा, हाँ वो बुला रहे हैं भैया तेरे को। खरीदोगे भैया? क्या खाएगी? रखा बुला जैसा रहते, खरीदोगे?
भैया दे दो भैया, ये देखो नाम मेरा डाल रहा है। चाहो जी भेलपुरी है, चाट है गोलगप्पे। आओ जी आओ, क्या खाओगे और कैसा लग रहा भैया? कुछ भी है ओके भैया, उसको मैंने खाया नहीं है। तो भैया और क्या क्या बनता है यहाँ पे? भेलपुरी है, चाट पापड़ी, दही बल्ला, बल्ला पापड़ी, भेलपुरी, दही वाले गोलगप्पे लेना थोड़ा। अच्छा, ये पशुपालिका के बाहर पे क्या प्रणाम? गोलगप्पे हजम करके अभी भैया ने सोडा बना रखा है। सोडा सोडा भैया कह रहे थे कि आप हमारी दुकान में आए इतनी गर्मी में, तो सोडा फ्री है ना भैया? तो गोलगप्पे मतलब सोडा फ्री दे रहे हैं। तो अभी सोडा चल रहा है, बाकी देखते हैं अभी भैया और क्या क्या देंगे। तो फिर मिलते हैं। थप्पड़ भी देगा भैया? क्यों थप्पड़ दोगे, है ना इतनी गर्मी में हम आप ही के दुकान में आए। देखो वो भी दुकान थे, वो भी दुकान थे, हम वहाँ छोड़ के इधर आए हैं, तो एक सोडा तो बनता है फिर, है ना? भैया कहेंगे निकल ले यहाँ से, दफा हो ले। तो अब मिलते हैं आपको, घर चले सीधे, अब तो हो गया, बहुत थक गए हैं। और कुछ खाना है? नहीं, पेट तो मेरा तो भर गया, मुझे पता आपका नहीं भरा है, तो देखते हैं चलो, नहीं तो सीधे घर चलते हैं। ओके गाइस। तो हम पहुंच गए हैं घर, और घर जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि मम्मी पीछे किचन में पकौड़े बना रहे हैं, यानी कि चाय के साथ। तो हम आपको दिखाते हैं, चलिए। मम्मी क्या बना रहे हो? पकौड़े बना रही हूँ। पकौड़े बना रहे हो? हाँ। अच्छा, और भूख लगी है? अच्छा। वैसे तो खाया था पर फिर भी लगी हुई है। और ये देखो मम्मी ने यहाँ पे बिल्कुल तैयार भी कर दिए हैं कि हम लोग आएंगे तो ये खा लेंगे। तो आ जाओ फिर मम्मी, हम भी साथ में खाते हैं। कितना रह गया? और भैया कहाँ गए? भैया आ जाओ, मम्मी ने पकौड़े रेडी कर रखे हैं। खुशबू तो अच्छी आ रही है, तो लेके आओ, जाओ किचन में रखा हुआ है। सब हाँ, बन रहे हैं अभी। तो भूख लगी है और क्या। तो गाइज अब मैं दिखाऊंगा आपको कि मम्मी ने ना छत पे काफ़ी अच्छी खेती कर रखी है अपनी, क्योंकि मम्मी घर में बहुत काम करते थे, तो मम्मी की आदत बनी हुई है कि यहाँ पे आके काम करना है। बट यहाँ पे खेती वगैरह है तो नहीं है, बट मम्मी ने छत में ही गमले वगैरह में सब्जी फूल वगैरह सब कुछ लगा रखे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पानी डाल रहे हैं मम्मी। क्या कर रहे हो? पानी डाल रहे हो? तो गाइज देखिए बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं। और ये देखिए ये क्या है? क्या? ये लहसुन है, और ये
ये बड़ी इलायची भी लगा, ये इलायची लगा रखी है मम्मी ने। और इसमें ये शिमला मिर्च, शिमला मिर्च रेड रेड। और ये खाली वाले में क्या है मम्मी, खाली वाले में क्या है? अदरक। और ये ये दूसरा मिर्च है, ये क्या बोलते हैं, लाल पीला हरा वाला। अच्छा शिमला मिर्च है गाइस। और ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे फूल लगा रखे हैं मम्मी ने। और ये फूल है, ये भी शिमला, ये भी हरी मिर्च है, ये हरी मिर्च है। और ये नींबू के पेड़ है, ये नींबू का पेड़ है गाइस। और मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ये देखिए ये संतरा है ना, ये संतरा। और ये इसको बोलते हैं गन्ना, गन्ना। और ये भी संतरा है, इसमें से गन्ना हमने खा भी लिया, इसमें से गन्ना है ना। हाँ। तो इस साल का हमने खा भी लिया। हाँ, तो मम्मी ने देखो बहुत अच्छी खेती कर रखी है। और मैं दिखाता हूँ आपको बहुत आगे, देखिए गाइस बहुत अच्छे गेहूं रखे हैं, गेहूं बिल्कुल पक रखे हैं। और ये देखिए बिल्कुल बहुत शानदार। और ये हरे वाले जो है ये है बरसीन, बरसीन की खेती है, ये पूरी जगह बरसीन उगा रखी है। और यहाँ पे है गेहूं, और इस साइड से दिखाऊंगा मैं आपको, पूरे गेहूं पक रखे हैं अच्छे से। और अब इनको काटने का टाइम हो गया है, तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। और घर का जो सामने का व्यू है वो आप देख सकते हैं। तो गाइस फाइनली हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।